स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि 10 और 12 के बच्चे केमिस्ट्री की बेसिक तैयारी करें। ये आपको देखना है कि बच्चे केमिस्ट्री देख के घबरा जाते हैं, बहुत बड़ा कोर्स है। तो इस कोर्स के लिए हम लोग बोर्ड की तैयारी अगर शॉर्टकट तरीके में करना चाहते हैं तो किसी भी मेटल या नॉन मेटल हो तो उसके लिए हम लोग को एटॉमिक नंबर जानना चाहिए कि एटॉमिक नंबर उसका क्या है और एटॉमिक वेट क्या है, फिर उसकी वैलेंसी क्या है और पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल को हिंदी में आवर्त सारणी भी कहते हैं। पीरियडिक टेबल को आप कैसे इसको देखेंगे, पीरियडिक टेबल आपके नज़र में रहना चाहिए और उसको अगर आप लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे तो पूरा तो याद नहीं होगा लेकिन एक बेसिक जरूर होना चाहिए, दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कौन सा टेबल में कहाँ कहाँ है, मेटल या नॉन मेटल जो भी कहाँ पे है, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। और केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद आप बॉन्डिंग बहुत आता है कि ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस आते हैं तो रिएक्शंस बैलेंस करना आना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास कोई रिएक्शन है, इसको जोड़ना है तो जोड़ के क्या बनेगा, इसमें डालेंगे तो क्या बनेगा, और अगर आपके पास दिया हुआ है तो मान लीजिए आपके पास H2 प्लस O2 है, ये दोनों रिएक्शन कराना है तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, H2O बनेगा। ठीक है, H2O बनेगा। अगर हम लोग H2 प्लस O2 करते हैं तो H2O बनता है, लेकिन आपको इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करना कैसे है कि देख रहे हैं यहाँ पे H2 है, दो है यहाँ पे, दो H2 है, H2 है हमारा आपका और यहाँ पे H है, चलिए सही है, लेकिन ये है आपका O, यहाँ पे दो है और यहाँ पे एक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर भी 2 होना चाहिए तो 2O हो गया। बट यहाँ पे फिर अगर ये हाइड्रोजन जो है ये 4 हो गया तो हमको इधर भी देखना होगा, हाइड्रोजन तो मेरा 2 है तो ये 2 कर दिया हमने तो ये बराबर होगा। तो इन सब बेसिक चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे से कर लेंगे और पूरा कोर्स आपके हिसाब से चलता रहेगा, इजीली आपको समझ में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके।